दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने अजीबोगरीब रेलवे ट्रैक की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इनमें से कोई रेलवे ट्रैक भरे बाजार से होकर गुजरता है तो कुछ रेलवे ट्रैक हवाई अड्डे, गहरे टनल, समुद्र और नदियों में बने अजीबोगरीब ब्रिज, टेढ़े मेढ़े पहाड़ों से होकर गुजरते हैं। पहली नजर में इनको देखकर इनकी विश्वसनीयता पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको बता दें कि अपने अनोखेपन के कारण ये रेलवे ट्रैक लोगों का ध्यान अपनी ओर खूब खींचते हैं। शायद यही वजह है कि कई लोगों में इन ट्रैक्स को देखने की उत्सुकता बनी रहती है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे 10 अमेजिंग रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। नेपियर जिसबॉर्न रेलवे, न्यूजीलैंड। नेपियर से जिसबॉर्न का रेलवे ट्रैक अनूठा है क्योंकि ये जिसबॉर्न हवाई अड्डे के मुख्य रनवे से होकर गुजरता है। ट्रेनों को इस रनवे पर बनी पटरी से गुजरने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से अनुमति लेनी होती है। आप वीडियो में हवाई अड्डे के रनवे के बीच से ट्रेन गुजरते देख रहे होंगे। ये दुनिया के एक्सट्रीम रेलवे ट्रैक्स में 10वें नंबर पर है। मेकलोंग मार्केट रेलवे, थाईलैंड। रेलवे ट्रैक पर बना हुआ थाईलैंड का मेकलोंग मार्केट किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस मार्केट में पटरियों पर लोग दुकानें लगाकर सामान बेचते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है सभी अपना सामान समेट लेते हैं। ट्रेन के गुजर जाने के बाद ये मार्केट फिर से सज जाता है। ऐसा दिन में कई बार होता है। यहाँ के व्यापारी रेलवे पटरी पर सब्जियाँ, मछली, अंडे और दूसरे सामान बेचने का काम करते हैं। ट्रेन लॉस न्यूब्स, अर्जेंटीना। ट्रेन लॉस न्यूब्स एक पर्यटक ट्रेन है जो सॉल प्रोविंस अर्जेंटीना में अपनी सर्विस देती है। ये सर्विस मेरोकेरिल जनरल मेवल बेलग्रोन के C14 लाइन पर दी जाती है। ये ट्रेन जिस ब्रिज से होकर गुजरती है वो 4,220 मीटर यानी 13,850 फीट ऊपर बना है। इसे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक कहा जाता है। अब ये एक विरासत के रूप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस रेलवे लाइन पर 29 ब्रिज, 21 टनल, 13 पुल, 2 स्पाइरल और 2 जिगजैग हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक मास्को से लेकर रूस और जापान के समुद्र को जोड़ता है। इसे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहा जाता है। ये लाइन मंगोलिया, चीन और उत्तर कोरिया की लाइनों से भी जुड़ा है। इसे 1916 में मास्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ा गया था और अभी भी इसका विस्तार हो रहा है। साइबेरियन रेलवे लाइन का निर्माण 1891 में शुरू हुआ था। लैंड वॉसो विडक्ट, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का लैंड वॉसो विडक्ट ट्रैक रेलवे ब्रिज लैंड वॉसर नदी पर बना है जो अब एक विश्व धरोहर है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ट्रेन ब्रिज के बाद सीधे टनल में प्रवेश कर जाती है। एक ओर गहराई तो दूसरी ओर घुप अंधेरे से भरा ये सफर 63 किलोमीटर का है। आर्किटेक्ट्स की अनोखी मिसाल मानी जाने वाली इस ब्रिज में 6 कर्व हैं, जो सफर को रोमांचक बना देते हैं। ट्रेन जब ब्रिज से होकर गुजरती है तो इस दौरान एक और गहरी नदी तो दूसरी ओर पहाड़ी दिखाई देती है। 213 फीट ऊंची और 486 फीट लंबे इस ब्रिज का निर्माण 102 साल पहले 1902 में हुआ था। स्विट्जरलैंड के शहर श्विमिटन से फिलिसूर को जोड़ने वाले इस ब्रिज को अलेक्जेंडर अकाटोस ने डिजाइन किया था। वहीं रहतियन रेलवे के लिए इस ब्रिज को मूलर और जिरलेडर की देखरेख में बनाया गया। जॉर्जटाउन लूप रेल रोड, USA।
कोलोराडो का जॉर्जटाउन लूप रेल रोड यह आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। इस ट्रैक का निर्माण कार्य 1884 में पूरा कर लिया गया था। जॉर्जटाउन और सिल्वर प्लम कस्बों की संकीर्ण पहाड़ियों से होकर ये ट्रैक गुजरता है। इन दोनों जगहों को कनेक्ट करने के लिए ट्रैक की ऊंचाई 600 फीट है। इस ट्रैक पर चार पुल हैं, जिनमें से एक पुल डेविल गेट हाई ब्रिज कहलाता है। कोलोराडो और दक्षिण रेलवे की इस लाइन का उपयोग 1899 से 1938 के दौरान यात्रियों और माल ढुलाई के लिए किया जाता था। 1973 में कोलोराडो ऐतिहासिक सोसाइटी ने 978 एकड़ जॉर्जटाउन लूप को हिस्टोरिक माइनिंग और रेल पार्क के हिस्से के रूप में रिस्टोर किया गया। 1984 में इस पुल की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। द डेथ रेलवे थाईलैंड। द बर्मा रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे भी कहा जाता है। ये बैंकॉक और रंगून के बीच 415 किलोमीटर का ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक को बनाते समय 90,000 से अधिक कर्मचारियों और 16,000 एलाइट कैदियों की पुल निर्माण के दौरान नदी में गिर जाने से मौत हो गई थी। अब ये रूट काफी पॉपुलर है और लोग यहाँ का सफर एंजॉय करते हैं। टनल ऑफ लव यूक्रेन। यूक्रेन का टनल ऑफ लव एक ऐसी जगह है जिसकी एक झलक पाने के बाद कोई भी कपल वहां जाने के बारे में जरूर सोचेगा। टनल ऑफ लव यूक्रेन के क्लेवान शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 3 किलोमीटर के दायरे में फैला प्राइवेट रेलवे ट्रैक है, जो पेड़ों से इस कदर ढका हुआ है कि पूरे रास्ते को ग्रीन टनल का रूप देते हैं। आपको बता दें कि ये ट्रैक एक फायर बोल्ट फैक्ट्री का है। एक ट्रेन दिन में 3 बार उस फैक्ट्री को वुड सप्लाई करती है, बाकी टाइम ये ट्रैक कपल्स और नेचर लविंग लोगों के काम आता है। वहीं ये टनल साल में 3 बार अपना रंग बदलती है। जब बसंत आता है ये टनल पूरी हरी हो जाती है और गर्मियों में ये टनल हल्की भूरी हो जाती है, जबकि सर्दियों के मौसम में ये टनल सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। तेहाचापी लूप अमेरिका। ये है वर्ल्ड का सबसे अजीबोगरीब रेलवे ट्रैक तेहाचापी लूप। इसे दुनिया का सबसे अजीबोगरीब रेलवे ट्रैक कहा जा सकता है। यहाँ पर ट्रेन लगभग 1.17 किलोमीटर घूमकर निकलती है, तो ऐसा लगता है मानो कोई सांप रेंग रहा हो। इस रेलवे ट्रैक को 3,000 चीनी वर्कर्स ने तेहाचापी पहाड़ को काटकर बनाया था। आपको बता दें कि ये ट्रैक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेलिस के बीच बना पहला रेलवे ट्रैक था।